आप देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं जो कुसुम्बा रोड पे जो हादसा हुआ, जो 2.5 साल का बच्चा मासूम गया, इसका हम लोगों को दुख है और हम चाहेंगे कि आइंदा ऐसा हादसा ना हो, किसी की जान ना जाए। इसके लिए हम आज है तो DY SP साहब को, SP साहब को और अपना ट्रैफिक पुलिस को यानी मेनोरेंडम देने आए हम लोग कि ये सब गाड़ियां गांव में से जा रही है, हेवी गाड़ियां, 10-10 टायर, 16 टायर, 20 टायर ये गाड़ियां, इसका एक टाइम होना चाहिए। इसको दिन में 9 एंट्री होना चाहिए, रात में 11 से 6 बजे तक इनको एंट्री मिलना चाहिए अंदर आने की, नहीं तो आगे चलकर उस साइड का रोड अभी काम चालू है उसका, वो बन जाएगा तो हो सकता बड़ा हादसा होने का डर है आगे भी। अभी एक साइड से ट्रैफिक चल रही है तो स्लो स्लो चलते हैं, लेकिन जब दोनों साइड चालू हो जाएंगे तो लोग बहुत फास्ट चलेंगे। तो इसके लिए हमने एक टाइमिंग रूलिंग इसका के लिए हमने निवेदन दिया है कि इसको गाड़ियों को 11 से 6 बजे तक एंट्री रात में दी जाए और दिन में बंद किए जाए। और इससे पहले भी हमने निवेदन दिया था लेकिन इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन अभी जो DY SP साहब आए हमसे, हमको इनसे बहुत उम्मीद है कि शायद ये इस पर एक्शन लेंगे और इसके खिलाफ़ में कार्रवाई करेंगे और आगे भी ऐसा अगर कुछ मसला रहा तो हम फिर इसके लिए निवेदन बोलो या धरना आंदोलन की बात है। अभी हमने तो DY SP साहब को जो निवेदन दिया है उसमें बाकायदा 1 तारीख तक हमने इनको बोला है कि 1 तारीख तक अगर गाड़ियां बंद नहीं होती है तो इसके लिए हमें 2 तारीख को जिस जगह पे हादसा हुआ है उस जगह पे रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों को पुलिस परमिशन दे या ना दे, 2 दिन में अगर गाड़ियाँ नहीं बंद होती है तो हम वहाँ धरना आंदोलन करेंगे और रोड बंद करेंगे। ये बताएंगे हम प्रशासन को और कॉरपोरेशन को भी कि ये चीज़ तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसको करो और ये होना चाहिए, नहीं हुआ तो इसका धरना आंदोलन होगा। कुसुम्बा रोड पर जो 2.5 साल बच्चे का हादसा हुआ, दोबारा किसी माँ की गोद ना उजड़े, इसलिए हम लोग यहाँ पर पुलिस प्रशासन से मिलने के लिए आए और हम सब ने एक निवेदन नए DY SP साहब को दिया कि सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक जो बड़ी गाड़ियाँ है उसको बंद किया जाए और कुसुम्बा रोड पे जो गैर तरीके से 2 व्हीलर पार्किंग होती है इसको हटाया जाए। हम डिप्टी साहब से गुफ्तगू करने के बाद हमने ये प्रोग्राम बनाया अतिक हाजी साहब वगैरह ने कि पीर के दिन हम प्रांत ऑफिसर साहब से और आयुक्त साहब से भी मिलेंगे ताकि ये गाड़ियों को नियोजन बनाया जा सके, बड़ी गाड़ियों का आना बंद हो ताकि फिर किसी माँ की गोद ना उजड़े, कोई बच्चा फिर माँ से जुदा ना हो, क्योंकि कितने अरमानों से आज वो बच्चे को रोड पर लेके उसके नाना बोलो उसका बाप बोलो चल रहा होगा और ये कातिलाना हादसा हुआ और बच्चा इस दार फानी से कोच कर गया। हम सभी लोग उस बच्चे के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक है और उम्मीद करते हैं कि फिर दोबारा किसी माँ की गोद ना उजड़े। 1 तारीख तक अगर कॉरपोरेशन ने और प्रशासन ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो 2 तारीख को जहाँ पर वो बच्चा शहीद हुआ है उसी जगह पर कॉरपोरेटर नेहा लाजी और सलीम टैक्सी वाले की क्यादत में हम लोग रास्ता रोको आंदोलन करेंगे। अगर मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए पुलिस परमिशन नहीं देती है तो हम दोबारा किसी बच्चे की जान ना जाए, हम जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए भी तैयार है। हम पुलिस प्रशासन से और कबीतर साहब से भी गुजारिश करेंगे कि कुसुम्बा रोड पर कुछ भी तवज्जो दी जाए, वरना यहाँ पर मजहबी लिबास छोड़कर बहुत से लोग आते हैं और 1.5 महीने की मुद्दत मांग करके चले जाते हैं। 1.5 महीने का वक्फा बहुत होता है, हमें सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया है हमने कि हमें 2 दिन में रोड क्लियर चाहिए और वहाँ पर दोबारा किसी तरह का हादसा ना हो। हमें कोई राजकारण करना नहीं है, 15 दिसंबर और 14 दिसंबर तक की कोई तारीख नहीं देना है। हमने 1 तारीख 1 नवंबर का वादा कर चुकी है, लिखी में दे चुकी है कि 1 तारीख तक अगर उस रोड का काम, रोड का अतिक्रमण और अनधिकृत पार्किंग बंद हुई और दूसरी साइड का काम तेज़ी से शुरू नहीं हुआ तो हम 2 तारीख 2 नवंबर को दोपहर में 3 बजे जहां पर वो बच्चे का हादसा हुआ, हादसाती मौत हुई, वहां पर हम हाल में धरना देंगे। हमको शहर को राजकारण की झपेट में झोंकना नहीं है, किसी अच्छा लिबास पहन करके 1.5 महीने की मुद्दत हमें नहीं देना है। हमारे कायद शेख रशीद और आसिफ साहब ने हमें काम करने का तरीका बताया है कि हम किस तरह शहर के आवाम को फ़ायदा पहुंचा सके। हम उनके नक्शे कदम पर चलकर तहरीकी रास्ता अपनाते हुए हम कुसुम्बा रोड के आवाम को अच्छी से अच्छी राहत देने की पूरी कोशिश करेंगे। आपके माध्यम से प्रशासन तक हम यही बात पहुँचाना चाहते हैं।